नमस्कार दोस्तों, रामू टेक्निकल के इस भाग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सोनी का एंट्री लेवल और एलजी का एंट्री लेवल और आपको सैमसंग का एंट्री लेवल के फीचर कंपैरिजन, तीनों ही टीवी अगर आपको परचेज करना है एंट्री लेवल के अंदर तो आपको बताना चाहूंगा 32 इंच के अंदर कौन सा टीवी कौन सा फीचर दे रही है। अगर आपको सोनी का टीवी खरीदना तो मैं सोनी के पूरे फीचर बताऊंगा, अगर आपको सैमसंग का टीवी खरीदना तो सैमसंग के पूरे फीचर आपको बताऊंगा, अगर आपको एलजी का टीवी खरीदना है तो एलजी के पूरे फीचर बताऊंगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मॉडल नंबर के साथ साथ में उन सभी के टीवी के, अगर आपका एंट्री लेवल का बजट लगभग में 25,000 के लगभग में है तो आपको कौन सा टीवी परचेस करना चाहिए तो उसके बारे में आपको एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका बजट 25,000 के लगभग में है और आपको एक नॉन स्मार्ट टीवी खरीदना है तो मैं आपको 3 टीवी प्रिफर करूंगा, सोनी, सैमसंग और एलजी। तीनों ही कंपनियां, एक तो अपना एक पुरानी कंपनियां है और अपना एक प्रभुत्व जमाती है बाजार में, इंडियन मार्केट में, या पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं तो तीनों ही कंपनियां आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। दोनों तीनों ही कंपनियों के आपको मैं जो भी एंट्री लेवल के टीवीज हैं 32 इंच के अंदर जो आपके बजट में बेहतर है, अगर आपका 25,000 के बजट है तो आप तीनों टीवी में से कोई भी टीवी कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपने यूट्यूब ऐप में जाकर रामू टेक्निकल को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँ सोनी की। तो सोनी का अगर आपको टीवी एंट्री लेवल में खरीदना है, अगर आपका बजट 25,000 के लगभग में है तो आपको एक मॉडल प्रिफर करूंगा दोस्तों, तो 32R302E का मॉडल है दोस्तों। दोस्तों, इस मॉडल के अंदर आपको स्मार्ट प्लग एंड प्ले का ऑप्शन मिलता है, क्लियर रिजोल्यूशन एंड का एनहांसर का ऑप्शन मिलता है, 20 वोल्ट के स्पीकर आपको मिलेंगे, 2 HDMI का स्लॉट मिलेगा, सिंगल USB का स्लॉट मिलेगा। तो स्मार्ट प्लग एंड प्ले से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास आपका चार्जिंग करने वाला है, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और आपको चार्जिंग करना माइक्रो USB टाइप का केबल है तो उसको आप अपने टीवी में अटैच करके जो भी अपने मोबाइल का वीडियो है उसे आप अपने टीवी में देख सकते हो। हाँ दोस्तों, और इसके अंदर आपको 2 HDMI और एक सिंगल USB का ऑप्शन मिलता है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको 4 प्रोटेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको डस्ट प्रोटेक्शन, ह्यूमिडिटी प्रोटेक्शन, लाइटिंग प्रोटेक्शन और सर्ज प्रोटेक्शन, चारों 4 प्रोटेक्शन इस टीवी के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपका बजट 25,000 के लगभग में है तो आप टीवी को प्रीफर कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अंदर आपको FM रेडियो और फोटो फ्रेम मोड का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको अलग से स्पीकर लगाना है तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन वूफर का ऑप्शन तो नहीं दिया हो दोस्तों, इसके अंदर आपको नॉर्मल स्पीकर मिलेगा। अगर आपको बिल्ट इन वूफर चाहिए तो इसका आपको थोड़ा बजट हाई जाना पड़ेगा, 28,000 के लगभग में आपको बिल्ट इन वूफर का ऑप्शन मिलेगा। और जो दोस्तों सोनी का 32 HDLED R302 है, उसके अंदर आपको 2 HDMI के स्लॉट, सिंगल USB का स्लॉट, स्मार्ट प्लग एंड प्ले का ऑप्शन, 4 प्रोडक्शन मिलेगा और आपको FM रेडियो और फोटो फ्रेम मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं सोनी की बात करूँ तो सोनी का MOV प्रोडक्ट रहता है, अगर आप इस टीवी को कहीं से भी परचेस करते हो तो इसका प्राइस सेम रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको बजट 25,000 में है तो इस टीवी को प्रिफर कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके कंपटीशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको कंपटीशन सैमसंग का M4000 का कड़ा कंपटीशन है। और दोस्तों, सैमसंग के M4000 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2 HDMI और 2 USB का स्लॉट मिलता है। पर दोस्तों, इसे पिक्चर क्वालिटी की बात करूँ तो पिक्चर क्वालिटी एज कम्पेयर टू सैमसंग और LG इसका पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। और साउंड क्वालिटी के मामले में बात करूँ तो दोस्तों, जो M4000 है HDLED उसका साउंड क्वालिटी में इतनी खास नहीं है दोस्तों। ये टीवी वजन में थोड़ा हल्का है, तीनों ही टीवी दोस्तों आपको वजन में हल्के होंगे। पर दोस्तों, जो सैमसंग का M4000 है उसका पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी में उतना खास वो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी एक जो चाहिए कस्टमर को, अब कोई भी एक कस्टमर होगा तो आप पहले तो आप टीवी लेने के पहले सोचोगे कि साउंड क्वालिटी कैसा है और पिक्चर क्वालिटी कैसा है, उस हिसाब से आप टीवी लेते हो। पर दोस्तों, मैं इसके पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो उतना मजा नहीं है। अगर आप इस टीवी को खरीदना चाहते हो तो लगभग में आपको 24,000 के प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप टीवी को खरीदना तो आप खरीद सकते हो। पर मैं दोस्तों ये टीवी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी के मामले में कुछ भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं दी हुई है। अगर आपको बेसिक स्मार्ट टीवी लेना है सैमसंग का तो आपको M4100 मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा दोस्तों, वो आपको 28,000 के लगभग में मिल जाएगा, 28,000 के लगभग में आपको कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन रिटेल मार्केट में मिल जाएगा, तो आप उसे प्रीफर कर सकते हो, ना कि इस टीवी को प्रीफर मत करना। अगर आपका एंट्री लेवल टीवी लेना चाहते हो तो सैमसंग का टीवी मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा। अगर आपको टीवी सैमसंग का लेना है तो आपको M4100 मॉडल ले सकते हो। तो आप बस प्लीज इस टीवी को रिकमेंड मत कीजिएगा, M4000 को, M4000 को रिकमेंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी एडवांस नहीं है और ना ही टेक्नोलॉजी में कुछ दम है दोस्तों।
अब दोस्तों मैं तीसरे टीवी की बात करूं तो एलजी का टीवी आता है। तो दोस्तों मैंने जैसे ही 32 LG 542D मॉडल के बारे में बताया दोस्तों, ये एलजी का मॉडल है। दोस्तों पहले एलजी की खास चीज की बात करूं तो इसके अंदर आपको आईपीएस पैनल मिलता है। हाँ दोस्तों, सोनी और सैमसंग में आपको आईपीएस पैनल नहीं मिलेगा, पर एलजी एक ऐसी कंपनी है जो आपको आईपीएस पैनल देती है। और हाँ दोस्तों, इसका जो स्टैंड आता है वो फ्लेक्सिबल स्टैंड होता है। अगर आपको मूव करके आगे थोड़ा स्टैंड मूव करना है तो आप इसे मूव करके कोई भी पेनड्राइव या एचडीएमआई का स्लॉट इजीली लगा सकते हो। दोस्तों इसके अंदर आपको एचडीएमआई स्लॉट की बात करूँ तो इसके अंदर आपको दो एचडीएमआई के स्लॉट मिलते हैं और एक ये पेनड्राइव का स्लॉट मिलता है। और दोस्तों इसके अंदर आपको दो रिमोट मिलेंगे। अगर आपके गेमिंग के शौकीन हो तो आप गेमिंग के लिए एलजी कंपनी आपको अलग से रिमोट दे रही है। एक छोटा सा आपको रिमोट मिलेगा, वो गेमिंग के लिए आपका रिमोट होगा। और नॉर्मल जो आप टीवी के लिए यूज करते हो साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी के लिए, तो भी आपको अलग से एक रिमोट मिल जाएगा। तो अगर आपको बजट लगभग में 25,000 के लगभग में है, तो अगर आपको आईपीएस पैनल पसंद है और फ्लेक्सिबल स्टैंड आपको पसंद है तो इस टीवी को आप प्रिफर कर सकते हो। दोस्तों तीनों के अंदर मैं आपको पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की बात करूं तो एलजी जो सोनी का R302 ये मॉडल कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू दोनों मॉडल के। तो अगर आपका बजट लगभग में 25,000 के लगभग में है तो प्लीज मैं बताऊंगा आपको R302 ही आपके लिए सबसे बेस्ट मॉडल रहेगा। अगर आपको 25,000 रुपए बजट है तो आप इस टीवी को प्रिफर कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक सोनी की खास चीज बता दूं, अगर आप ये टीवी आप कहीं से भी लेते हो तो आपको सभी जगह सेम प्राइस रहेगा। इसके अंदर आपको कोई प्राइस डिस्काउंट नहीं होता है, क्योंकि सोनी का एक एमओबी बेस्ड प्रोडक्ट रहता है। अगर सोनी का आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी आप परचेस करते हो तो उसका प्राइस सेम ही रहता है, ना ही प्राइस इसका चेंज होता रहता है। दोस्तों अगर आपका बजट 25,000 रुपए लगे लगभग में है तो आप इन टीवियों में से कोई भी टीवी प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ही टीवी रिकमेंड करूंगा, जो सोनी का R302E मॉडल है, बस वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आपको गेमिंग या आईपीएस पैनल या फ्लेक्सिबल स्टैंड आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको एलजी का मॉडल प्रेफर करूंगा। साउंड क्वालिटी के मामले में तो सोनी का कोई लाजवाब है दोस्तों, कोई जवाब ही नहीं है, ना कोई भी टीवी इसके साथ में कम्पीट कर सकते हैं। अगर मैं सैमसंग की इन द एंड बात करूं तो सैमसंग का टीवी इतना खास नहीं है, ना ही पिक्चर क्वालिटी में ना ही साउंड क्वालिटी में। अगर आप इस टीवी को परचेस करो तो आपका पूरा पैसा बेकार में चला जाएगा। तो मैं आपको दो ही टीवी प्रिफर करता हूं, या आप एलजी का ले लीजिए आईपीएस पैनल और फ्लेक्सिबल स्टैंड के साथ में, या तो आप सोनी का पिक्चर क्वालिटी के साथ में ले सकते हो दोस्तों। क्योंकि पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी के मामले में इन टीवियों में से आपको सोनी R302E सबसे बेहतर मॉडल है। तो दोस्तों आपका बजट अगर 25,000 के लगभग में है तो आप इस टीवी को प्रिफर कर सकते हो। बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।